हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद सुशील कुमार के संग। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने पिछला गुलाब का लगाया था, टाइगर गुलाब का, वही पौधा मैं अभी फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करें आप। देखिए बिल्कुल पिछला जब मैंने गुलाब लगाया था यही है, उसमें एक गुलाब हुए थे, अब भी बहुत सारे गुलाब हो गए हैं। और देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी अपने घरों में कर सकते हैं। देखिए एक पेड़ में कितने सारे गुलाब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पेड़ में अभी 9 गुलाब हुए हैं बहुत कम ही दिनों में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप किस तरह से इसको करें। आप सबसे पहले गमले में कुड़ाई कर लें, महीना में एक बार कुड़ाई करें। इस तरह से महीना में एक बार बिल्कुल आप कुड़ाई कर लें। कुड़ाई करने के बाद इसमें सरसों खल्ली का ही पानी डालेंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है, बिल्कुल सिर्फ गोबर खाद और मिट्टी है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप बढ़िया से इसको कुड़ाई कर लें चारों तरफ से। इस तरह से कुड़ाई करके थोड़ा मिट्टी को हल्का कर लें इस तरह से। और मैंने पहले से दोस्तों और सब कुड़ाई करके रखा है, ये देखिए इस तरह से कुड़ाई कर लें सारे गमले को, जो भी आपके पास गमले में लगाए या ज़मीन में लगाए हैं, ये सारे को कुड़ाई कर लें। देखिए इसमें मैंने बिल्कुल गोबर खाद ही डाला है, ये देखिए, और मिट्टी है सभीओं में। बिल्कुल सिर्फ गोबर खाद और मिट्टी है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा फूल हो गया। देखिए सब नए नए कली निकल रहे हैं, बिल्कुल सरसों खल्ली से सिर्फ ये देखिए, एक पेड़ में कम से कम 10 फूल हो गए सर। ये देखिए ये निकलेंगे इस तरह से लाल, लेकिन ये हो जाएंगे इस तरह से बिल्कुल काला। ये जैसे जैसे पुराना होते जाएंगे उस तरह से ये काला होते चले जाएंगे। देखिए ये जब निकलते हैं तो लाल होते हैं, ये देखिए। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि ये सरसों खल्ली का पानी जो है, अब इस सभी में महीना में एक बार बिल्कुल डाल देना है। ये देखिए सरसों खल्ली का पानी मैंने फूल तैयार कर रखा है, और इसको एक बार इस तरीका से चारों तरफ गमलों में आप बिल्कुल दे दें इस तरह से, बिल्कुल इसको भर दे गमले को पानी से, सरसों खल्ली के पानी से एक बार महीना में इसमें बिल्कुल आप डाल दें इस तरह से। सभी में जितने भी आपके गुलाब हैं बिल्कुल सिर्फ सरसों खल्ली का ही पानी डालें और कुछ नहीं, आपके फूल बहुत सुंदर और ढेर सारे घने फूल हो जाएंगे। ये देखिए जब मैंने शुरू में लगाया था दोस्तों बिल्कुल इसमें एक ही फूल थे, एक ही फूल थे, और आज देख लीजिए महीना दिन से ज़्यादा हो गया है, कितने सुंदर फूल और कितने अच्छे पेड़, और बहुत देखिए सुंदर सुंदर हो गए हैं, और इसके पेड़ भी कितने मजबूत हैं, ये देखिए। इसके फूल में थोड़ा सा बिल्कुल ताजगी जैसा रहता है, और इसका पत्ता जो है झुकता नहीं है, बिल्कुल हरा भरा रहता है। देखिए दोस्तों आप भी चाहें तो इसी तरह से अपने घरों में बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितने सारे फूल एक ही गमले में, ये देखिए बिल्कुल एक ही गमले में सिर्फ सरसों खल्ली का पानी डालते हैं, बिल्कुल सुंदर अच्छा हो जाते हैं। ये देखिए
ठीक है दोस्तों, आप भी अपने घरों में, अपने गमलों में इसी तरह से लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। दोस्तों मैंने इसी का पिछला वीडियो बनाया था, आप चाहें तो आई बटन दिया हुआ है ऊपर, आई बटन आप क्लिक करके देख सकते हैं, और फेसबुक पे भी लिंक दिया हुआ है, लिंक पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी बजाना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।